छठ को लेकर गंगा घाटों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने दानापुर, पटना सदर और पटना सिटी अनुमंडल के सभी घाटों को तैयार कर लिया है। इस दौरान कुल 25 किलोमीटर गंगा के घाट तैयार हुए हैं। प्रशासन ने 101 घाटों की गिनती की है। इनमें 92 घाटों को छठ के लिए तैयार किया गया है, जबकि 22 घाट खतरनाक और इस्तेमाल नहीं करने लायक करार दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इन घाटों पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालु छठ पर्व मनाने के लिए आएंगे, जिनके लिए तैयारी मुकम्मल है। प्रशासन ने घाटों पर ही 60,000 से अधिक गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी की है। इसको नियंत्रित करने के लिए 105 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और 10 यात्री शेडों को तैयार किया गया है। छठ को लेकर समूचे राज्य में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी पटना पर विशेष नजर रखी जा रही है। केंद्रीय बल की भी तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने पटना सहित कई स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस विभाग के अधिकारी लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। जीआरपी ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली में कैंप कर बिहार आने वाले ट्रेनों के यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। गंगा के बड़े घाटों में बांस घाट, समाहरणालय और महेंद्रू घाट से गंगा की धारा दूर चली गई है। हालांकि निगम प्रशासन की टीम ने गंगा की धारा तक पहुंचने के लिए सड़क तैयार करने के साथ बैरिकेडिंग कर दिया है। वहीं तीनों घाट गंगा की धारा तक पहुंचने के बाद एक हो गए हैं। निगम प्रशासन ने बांस घाट से लेकर महेंद्रू घाट तक चेंजिंग रूम, पुरुष महिला शौचालय, वॉच टावर, श्रद्धालुओं के लिए पंडाल और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं रिवर फ्रंट से लेकर गंगा की धारा तक लाइटिंग व्यवस्था कर दी गई है और टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है, ताकि संध्या अर्घ्य के दिन कोई निर्माण कार्य बचा नहीं रहे। गंगा घाट की पहुंच पथों की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। शनिवार को करगिल चौक से समाहरणालय घाट जाने वाली सड़कें की दीवारें मिथिला पेंटिंग से सजा दी गई हैं। वहीं रिवर फ्रंट को भी सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। समाहरणालय घाट से काम शुरू किया गया है और पूरे रिवर फ्रंट को मिथिला पेंटिंग से सजाया जाएगा।